संदीप महेश्वरी को 2 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा के द्वारा डिफॉर्मेशन के चार्जेस लगाए गए हैं। डिफॉर्मेशन जहाँ पे कि एक तरीके का आपके रेपुटेशन को हार्म किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा फॉल्स स्टेटमेंट देके उसको पब्लिक करके, उसका पब्लिकेशन करके। अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, लाइक फॉल्स स्टेटमेंट्स और एक तरीके का मैलाफाइड इंटेंशन, एक उसका पब्लिकेशन करना, सामने वाले के रेपुटेशन को हार्म करना। अब इन सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगा कि जो चीज़ आरोप लगाए गए थे संदीप महेश्वरी के द्वारा विवेक बिंद्रा के ऊपर, क्या वो कितनी सच्चाई है उसमें, क्या उसमें सारे फैक्ट्स हैं, क्या वो सही चीज़ें कही गई थी उनके द्वारा, और उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन था, क्या इनके रेपुटेशन को हार्म करना था या फिर एक बोनाफाइड इंटेंशन था, मतलब जनहित में था। और लेकिन जनहित में भी जो चीज़ें बताई गई हैं, क्या वो किस हद तक डाटा उनके पास सही था, क्या सामने वाले के रेपुटेशन को इससे हार्म पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और किस हद तक और कितनी पब्लिक तक ये बात पहुंची है। तो डेफिनेटली प्राइम फेसिया को देखते हुए कोर्ट ने माना है कि यहाँ पे चार्जेस बनते हैं और ये अब ट्रायल पे जाएगा, जहाँ पे अपने डिफेंस में संदीप महेश्वरी को सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी कि क्यों उन पे सजा ना हो, क्यों चार्जेस ना फ्रेम किए जाएं, जो भी डाटा उन्होंने पब्लिक के सामने रखा है किस आधार पे रखा है और किस नीयत से रखा है। अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे इन्होंने। अब अपने आप को बचाव के लिए बहुत सारे मीडिया में अलग अलग तरीके से जवाब दिए हैं कि भैया मैं सही था, मेरे बड़े भाई सो कॉल्ड संदीप महेश्वरी के द्वारा मेरे पे जो भी आरोप लगाए गए हैं जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा, मेरे नाम प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, मैंने किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, मैंने ईमानदारी से अपने धंधे को चलाया है, ये इनका कहना है कि मेरे पास सारे डाटाज हैं, इनका कहना है फैक्ट्स हैं, हमने भैया रिफ़ंड 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों को किए हैं, हमारी सारी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन अब कुछ माहौल ऐसा बना दिया गया कि जो लोग नहीं भी कमा रहे थे चाहे अपनी कमी के कारण, वो लोग भी खुल के हमारे अगेंस्ट बोलने लगे, जिससे उन्हें ये लगा कि हमारा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा तो एक तरीके का पैसा हमारे पास आ जाएगा, जो कि ये गलत चीज़ है किसी के। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अब देखना होगा आगे कि क्या इस मामले में होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में आमतौर पे 1-2 दिन में नहीं, कई बार 4, 5, 6, 8, 10 साल भी लग जाते हैं किसी भी फैसले को आने को, या फिर कई बार सामने वाले के द्वारा माफ़ी मांग ली जाती है, सामने वाले के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है, तो भी मैटर एक तरीके से कंपाउंडेबल होता है और ख़त्म हो जाता है। अब इसमें MBA प्रोग्राम को लेके भी काफ़ी चीज़ें कही गई जो, लेकिन संदीप महेश्वरी अब ये MBA का उनका कहना है कि भैया ये तो हमारा MBA कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा तो इसका फुल फॉर्म ही अलग था, माई बिजनेस एसोसिएशन था, ना कि कोई मास्टर बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स था। इनका कहना है कि भैया हमारे 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 100 से ज़्यादा हमारे भैया अवार्ड्स मिले हुए हैं, हम भैया एक एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जो कि भैया एक सबसे बड़ा चैनल है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे संदीप महेश्वरी भी हमारी फील्ड में आना चाहते थे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने भैया अब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे इसलिए हमारे अगेंस्ट बोलना शुरू किया, जिससे उनको एक पॉपुलैरिटी मिले, एक अटेंशन मिले और हमें कहीं ना कहीं मतलब के नीचा दिखाया जाए। अब बिंग लाइक ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पब्लिक सजा हो ना हो वो बात की बात है, वो एक कोर्ट प्रोसीडिंग की बात है, लेकिन बिंग जनता आपको क्या लगता है कि वाकई में आपने क्या इनके मतलब आपके हिसाब से संदीप महेश्वरी बेस्ट हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बेस्ट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों ने अपनी बातें रखी हैं, या फिर कोई ये गलत है, आप किसके सपोर्ट में हैं, नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे बिकॉज उससे भी एक राय बनता है। लेकिन अगर आप किसी के सपोर्ट में हैं तो क्यों हैं ये भी ज़रूर मेंशन करेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।